जमशेदपुर के कदमा में 10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद जेल भेजे गए बीजेपी नेता अभय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। बता दें कि अभय सिंह जमानत पर जेल से बाहर आए हैं और अभय सिंह के जेल से निकलने के बाद उनके समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए अभय सिंह ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। बता दें कि रामनवमी हिंसा के बाद अभय सिंह जो बीजेपी के नेता हैं वो जेल में बंद थे, अब आखिरकार उन्हें जमानत मिली और जमानत पर वो जेल से बाहर आ गए हैं और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और साथ ही साथ अभय सिंह ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए मौजूदा सरकार को हिंदू विरोधी नेता बताया है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। मनमोहन, बीजेपी नेता अभय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अंकिता, आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, झारखंड के जो बीजेपी के नेता हैं आपके अभय सिंह को रंगदारी के मामला में और जाति हिंसा फैलाने के मामला में उनको गिरफ्तार किया गया था रामनवमी के अवसर पर। उसी के बाद आज 189 दिन के बाद जेल से बाहर आए अभय सिंह, तो उनके समर्थकों में काफी खुशी की लहर है और उसी खुशी की लहर को देखते हुए जब आज अभय सिंह बाहर निकले तो उन्होंने बड़े ही गहरे अंदाज में और बड़े ही जोशीले अंदाज में उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड सरकार विरोधी हिंदुओं की तरह काम कर रही है, उसी तरह मैं हमेशा अडिग रहूंगा और सत्य की तरह काम करता रहूंगा, निडर की तरह काम करता रहूंगा, इसमें मैं कभी डरूंगा। उन्होंने खुद आरोप लगाए सरकार पर, उनके मंत्रियों पर, कि ये पूरी घिनौनी साजिश के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है और यहाँ के मंत्री इसमें शामिल हैं। अंकिता जी, मनमोहन, फिलहाल जिस तरीके से समर्थकों में खुशी देखने को मिली, बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खुशी देखने को मिली, तो इसे लेकर और साथ ही साथ जिस तरीके से अभय सिंह ने हिंदू विरोधी नेता ये सरकार बताया राज्य सरकार को, तो इसे लेकर विपक्ष इसे किस तरीके से ले सकती है, माफ कीजिएगा सत्ता पक्ष इसे किस तरीके से ले सकती है? सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि अभय सिंह ने जो काम किया था, जिसके चलते उन्होंने जो भी कृत्य किया था, जिसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया, उसमें सत्ता पक्ष का कहीं कोई दूर दूर तक रोल नहीं है। लेकिन अभय सिंह बार बार ये आरोप लगाते रहे कि जो स्थानीय विधायक और स्थानीय मंत्री जो यहाँ के हैं उनकी पूरी तरह से इसमें षड्यंत्र है। उनका इशारा बार बार एक मंत्री की तरफ होता है और बार बार कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करने में इस मंत्री का हाथ है। साफ तौर पर उस सत्ता पक्ष में जो हेमंत सरकार है उसके ऊपर कूटनीतिक का आरोप लगाते हैं कि इस तरह से हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं, मुझे कई महीनों से टारगेट किया जा रहा था, आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के ठीक 6 महीने के बाद, मतलब कि जब वो इससे पहले भी उनका जमानत हो चुका था रंगदारी एक मामला में, जैसे जाति हिंसा फैलाने के मामला में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, इसमें रंगदारी के मामले उसमें उनको जमानत मिल चुकी थी, लेकिन जिस दिन उनका जमानत होना था ठीक उसी दिन उनके ऊपर एक और आरोप लगता है और रंगदारी के आरोप में फिर उस समय उनका जो जमानत का प्रक्रिया था रोक दिया जाता है और ये मामला आगे बढ़कर आज 189 दिन के बाद जब वो बाहर आते हैं तब वो सीधे सीधे आरोप सरकार के ऊपर लगाते हैं कि मेरे जमानत पर भी रोक लगाने के पीछे मंत्री का हाथ है और मुझे इस तरह से हिंसा में मुझे फंसाने का भी उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप है। तो आज वो जिस अंदाज में वो जाने जाते हैं अभय सिंह, उसी अंदाज में, जोशीले अंदाज में वो बाहर निकले और उनके समर्थकों में जो काफी खुशी का लहर था अपने नेता को देख करके, अपने प्रत्याशी मन जो सामने जो उनके नेता बाहर निकले। जी मनमोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद हिंसा के आरोप में जेल भेजे गए बीजेपी नेता अभय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं, इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी भी देखने को मिलती है। अब आइए सुनाते हैं आखिर बीजेपी नेता अभय सिंह ने जेल से बाहर आने के बाद क्या कुछ कहा है। किन कारणों से झूठे केस में कि झंडा में मास्क लगा दिया गया लेकिन आज तक इसका पर्दाफाश न जिला प्रशासन की और न सरकार ने किया है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 6 महीने नहीं बल्कि 6 साल रख दो, नेक चरित्र वचन का सच्चा समय के साथ रुक नहीं सकता। ये सर धर्म के आगे अधर्म के आगे कट सकता है पर झुक नहीं सकता।